पर वैसे भाजी जब मोदी जी ने अनाउंस किया कि 21 दिन का लॉकडाउन है तो आपका तो पूरा कैलेंडर गड़बड़ हो गया होगा क्योंकि आपके तो एक एक घंटे के हिसाब से मेरा क्या कैलेंडर 21 दिन का ही होता है नहीं तू खुद 365 दिन कमाए बिल्कुल लेकिन मेरा कैलेंडर छोटा कर दे मैंने सुना जो आपने अगले 5 साल में सब एड्स वैड्स की डेट दे रखी वो सारी आपने लॉकडाउन में कर डाली कर दी खत्म कर ली कितनी एड शूट की भाजी आपने मैंने करीबन 9 से 12 की हैं एड्स इतनी तो जब देश चल रहा होता तब नहीं होती आपने लॉकडाउन में 9 एड निपटा डाली तो क्या हुआ यार इसमें क्या नहीं तेरे को तो खुश होना चाहिए मेरे को एक बात बता तेरा पंजाबी भाई है मैं नहीं करूं नहीं नहीं मेरे को बहुत खुशी है भाजी मेरे को तो कभी नजर से आया तो खुश नहीं भाजी मैं बहुत खुश हूँ एक एड क्या रहा अक्षय भाजी ने करी थी वो देख के मेरे को थोड़ा सा जेलसी हुई थी कौन सी एक थी हाँ उसका ब्रांड एम्बेसडर पहले ये था मैंने लिया नहीं है ऐसा नहीं हुआ वो मुझे दिया गया था मुझे मालूम है ऐसे चेहरे मत बनाइए तू नहीं मैं कुछ नहीं जितना ये आदमी इधर शो में लूटता है ना कोई नहीं लूटता एक दिन मैं इसके घर गया था इतना बड़ा घर मैंने नहीं देखा इतना बड़ा घर तो मेरा नहीं है कितने लोग छत पे बैठ के पूरा सब डिजाइन कर रहे हैं तेरी कितनी बड़ी छत है बता लो फिल्म का ट्रेलर बड़ा कलरफुल और बड़ा एंटरटेनिंग है भाजी तो बाकी के ट्रेलर क्या ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं नहीं नहीं मतलब इतने सारे आपके शेड नजर आ रहे हैं आपने पूछा था ना मुझे पहले कि मैं इस फिल्म की हिस्सा क्यों बनना चाहती थी एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड आई जेन्युइनली फील अक्षय सर की ये बेस्ट परफॉर्मेंस है अब तक की इट्स इनसेन व्हाट ही डन थैंक यू भाजी इस फिल्म में तो आपके ऊपर किन्नर का भूत सवार हो जाता है रियल लाइफ में आपके ऊपर किस चीज का भूत सवार रहता है मेरे जो भूत है वो बदलते रहते हैं लेकिन एक बात का भूत मेरे सर पर हमेशा सवार रहता है मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान से या तो नफरत करता है या उसे अपने बराबर का दर्जा नहीं देता आज मैं आप लोगों को उनकी बात करना चाहता हूँ जिन्हें भगवान ने सब कुछ दिया जो जीने के लिए ज़रूरी होता है लेकिन किसी एक वजह से हमने उनसे वो सम्मान और जीने का हक छीन लिया और उन्हें समाज से अलग कर दिया हम लोगों ने जबकि ये सदियों से हमारी सभ्यता का हिस्सा बनती आई है हमारी हर छोटी बड़ी खुशियों का हिस्सा बनती आई है हमें आशीर्वाद देती है वो और लोग इन्हें बदले में शगुन देते हैं लेकिन शगुन के साथ साथ वो मान सम्मान मिलना चाहिए जो इन्हें बचपन में नहीं मिला जिनके ये सबसे ज़्यादा हकदार है हिंदुस्तान के जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और सरकार ने भी इन्हें तीसरे जेंडर का मान्यता दे दी लेकिन हम इन्हें कब मानेंगे मैं पर्सनली कुछ ऐसे किन्नरों को जानता हूँ जो समाज में गरीब बेटियों की शादियाँ और पढ़ाई का खर्चा भी उठाते हैं हर साल हम अपने फोन को अपडेट कर देते हैं गाड़ियां अपडेट कर देते हैं राइट yes. लेकिन हम अपनी सोच कब अपडेट करेंगे हम अपनी सोच को वहीं की वहीं रखी हुई है आई थिंक वक्त आ गया है हमें अपने आप को बदलना चाहिए और मैं ये कहूंगा ये जो फिल्म है मेरा तरीका है आप लोगों को बताने का कि मैं क्या सोचता हूँ जानता हूँ कि पहली बार कोई एक्टर कोई मेन स्ट्रीम एक्टर एक ट्रांसजेंडर का रोल कर रहा है But it was an honor to play this role. क्या बात है भाजी बड़ी खूबसूरत बात कही अक्षय भाजी ने सो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो कि किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर हैं सो लक्ष्मी जी का जोरदार तालियों से स्वागत लक्ष्मी जी आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कपिल जी थैंक यू फॉर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए शुक्रिया प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए तो दोस्तों लक्ष्मी जी हमारे यहाँ मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी जी ट्रांसजेंडर एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं सो मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी खुद हमारे दर्शकों को बताएं
कि हमारी सोसाइटी के लिए क्या अच्छे अच्छे काम कर रही हैं? सबसे अच्छा काम मुझे लगता है कि जिंदगी में यही हो, जो वो और हम, जब ये दूरी खत्म हो जाए और हम कहें ये हमारा समाज है। right. जब 99 में हमने शुरुआत करी थी तो कभी ये नहीं लगा था कि हम भारत के किसी एक पन्ने पे भी नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2014 में नालसा जजमेंट आया, विच वी गॉट अ प्रॉपर ट्रांसजेंडर का एक पूरा कॉलम हुआ। देन अंडर द लीडरशिप ऑफ आर प्राइम मिनिस्टर हमें ट्रांसजेंडर एक्ट आया, ट्रांसजेंडर पॉलिसी आई। मैं भी नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में हूँ। okay. तो मेरे लिए तो आई एम 42 नाउ, और एक समय ऐसा था कि रास्ते पे चलना मुश्किल था। आज दुनिया में कहीं ना कहीं तो इज्जत कमाई हमने। और सबसे सुंदर बात, आज मैं अगर मर गई और मैंने अपनी आंखों को डोनेट किया तो वो किसी मर्द और औरत को लग जाएंगी। वाह। मैं जब 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट्स ऑफिस में एशिया पैसिफिक को रिप्रेजेंट करी थी ऑन द हाई लेवल मीटिंग ऑन एचआईवी एड्स, आई वाज द फर्स्ट ट्रांस वुमन टू रिप्रेजेंट एंटायर एशिया पैसिफिक इन द वर्ल्ड टू बी ऑन दैट लेवल। और जब मैंने अपने तिरंगा को हाथ लगाया वहाँ पे, तो मेरे जैसी खुशी कभी नहीं होगी कि दुनिया लाख मुझे कुछ बोले, पर मैं पहली किन्नर हूँ जो यहाँ पे आके अपने तिरंगे को हाथ लगाए। सो प्राउड ऑफ यू। तो परदेश में या देश में मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, मेरी लैंगिकता मत देखो या मेरी बेडरूम की स्टोरीज मत जानो, मैं कितनी प्रोडक्टिव हूँ समाज के लिए वो देखिए। लुक एट माई प्रोडक्टिवनेस। बहुत चीज़ें बहुत लोग कहते हैं, पर सबसे बड़ी बात एक ही होती है कि प्यार और सम्मान की कोई लैंगिकता नहीं होती। बिल्कुल, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। आप पहली बार चुप हो गए? नहीं नहीं, मैं चुप नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं लक्ष्मी, मैंने पहले भी आपको न्यूज़ चैनल्स पे और एक दो जगह मैंने बोलते हुए देखा। आप बोलती बहुत अच्छी लगती मुझे। लक्ष्मी जी, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएशन करी। वाह। एंड देन आफ्टरवर्ड्स जिंदगी के थपेड़ों ने बहुत कुछ सिखा दिया। हम जब अमृतसर में रहते थे तो मेरी मम्मी कहती थी कि जैसे किन्नरों की जो दुआ होती है ना, वो बड़ी जल्दी कबूल होती है। हकीकत है, हकीकत है। भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो कह रहे हैं, मैं 52 ईयर का हूँ, मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा साल नहीं गया है जो मेरी माँ ने किन्नरों को घर पे बुला के मुझे, अब उनको पैसे दिए, साड़ी दी, वो बैठे, मुझे दुआएं दी। एक साल ऐसा नहीं गया जो मेरी माँ हमेशा नहीं बुलाती। wow. और मैं उनके साथ बैठ के, घर पे बैठ के, बचपन से मैं उनके साथ डांस करता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, बड़ा मजा आता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये पिक्चर मेरी झोली पे आके गिरी, ये उसी की वजह से है। तो दुआएं हैं। लक्ष्मी जी, आप जीती जागती मिसाल है हमारी सोसाइटी के लिए। मतलब आपकी बातें सुन के और इतना गर्व भी हो रहा है जो आप कर रही हैं, ऑलरेडी हमारी सोसाइटी के लिए कर रही हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुन के, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आई। और हाँ, एक बात मैं कहनी भूल गया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, एट लास्ट ही फ्लर्टेड विद मी। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। एक फोटो हो जाए तीनों के, चारों के साथ। आई अर्जुन कम नो आई लोफी कम। अभी देखना, रुक जा। अभी देखना, मैं यहाँ से प्लेन उड़ाऊंगा, देखना। एक मिनट, तू उधर देखता रहे, मैं इधर देख रहा हूँ। तू इधर मत देखना, तेरे होश उड़ जाएंगे। अरे वहाँ का देख रहा है, यहाँ देखना, मैं प्लेन उड़ाऊंगा यार। तू उधर देखना, मुझे इधर देखना, मैं देख रहा हूँ। मैं ना तुझे देख लूंगा। मैं तो फिर भी तुझे नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं इधर ही देखूंगा। ये क्या कर रहे यार, मैं तेरा बंदा हूँ यार। पर वो मेरी बंदी है। ओ यार, ये तो कबीर सिंह की बंदी है यार। वही अंकल है। अक्षय भाई, ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, रामलाल और धनी राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो। हाय अंकल, आप टीचर हो ना? नहीं नहीं, क्यों? तो फिर इधर आके सबकी क्लास क्यों लगाते हो? रामलाल, तेरे पापा पूछ रहे थे ना कि आज सोनी पे की आ रहा है। हाँ।
उनको बता दिया आज सोनी पे कि आ रहा है। कहना मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपकी सारी फिल्म देखता हूँ और मैं आपका इंस्टाग्राम भी देखता हूँ। इंस्टाग्राम भी देखता है? अरे वो मेरे पापा देखते हैं ना, फिर मैं मम्मी को बता देता हूँ, फिर मम्मी पापा को देखती है और मैं इंस्टाग्राम देखता हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बड़ा फैन तो मैं हूँ आपका, मैं सच बता रहा हूँ केआर आडवाणी जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा तो फेवरेट लीडर भी एल के आडवाणी है। मैं सारी पिक्चरें भी सिर्फ निखिल आडवाणी की देखता हूँ। मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरा बिजली का बिल भी आडवाणी का ही आता है। वो अडवाणी नहीं, अडानी है। अडानी तो तुझे तेरी टांग है मेरे और कियारा मैम के बीच में। अडानी है कियारा मैम, इफ यू डोंट माइंड मैं आपके लिए रिंग लाया हूँ। रिंग? ये तो टॉफी के रैपर की है। हाँ तो मेरी सेटिंग करा दो, मैं गोल्ड के ले आऊंगा। अरे नहीं हो सकता, गोल्ड का गोल्ड तो सब खत्म हो गया। क्यों? गोल्ड की अक्षय अंकल ने फिल्म बना डाली। हाँ सोच कितने महंगे आर्टिस्ट हैं, गोल्ड की पूरी फिल्म बना दी। यहाँ तो ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जो लोहे की भी फिल्म नहीं बना पा रहे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।